फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके होठों का रंग बहुत ही काला है, जो देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। उनकी भी इच्छा होती है कि उनके होंठ काश बहुत ही गुलाबी होते, सुंदर होते, बहुत सबके सामने देखने में काफ़ी भद्दे लगते हैं। अगर आप भी होंठों के कालेपन से बहुत परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं जो आपको घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ, ये आपके होंठों को बहुत ही गुलाबी सुंदर बना देगा। ये बहुत ही ज़्यादा असरदायक नुस्खा है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया गया घंटे का निशान दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ज़रूरत होगी कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को निखारता है, आपकी स्किन को नहीं, ये आपके होंठों के कालेपन को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसका इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है। ये नर्शिंग करता है होंठों की, उन्हें अंदर से गुलाबी बनाता है, उनके कालेपन को ख़त्म करता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल 5 से 7 बूंद चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है। अब हमें इसमें ज़रूरत होगी बिल्कुल ज़रा सी, बिल्कुल चुटकी भर से भी कम यहाँ पर चाहिए होगी हल्दी। हल्दी जो है ये आपकी जो ब्लैक सेल्स होती हैं इनको दबा देता है और होंठों के रंग को उभारने का काम करता है। अब हम इसमें जो चीज़ मिलाने वाले हैं वो मिलाने वाले हैं हम बिल्कुल ज़रा सा खाने वाला सोडा। सोडा जो है कालेपन को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। तो अब आपको इन सभी चीज़ों को इस तरह से उंगली की मदद से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नींबू का छिलका लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं इससे हम स्क्रबिंग करेंगे लिप्स की, तो आपको छिलका लेना है। अगर नींबू का छिलका नहीं है आपके यहाँ, नींबू नहीं है, तो आप टमाटर भी ले सकते हैं क्योंकि टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमने मिश्रण बनाया है इसमें आपको नींबू को अच्छे से डुबो देना है और पूरे मिश्रण को एक बार में ही नींबू में इस तरह से ले लेना है। अब आपको नींबू से अपने लिप्स की स्क्रबिंग करनी है। तो आपको लिप्स में सिंपली इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए अपने पूरे लिप्स की अच्छे से मसाज करनी है। आपको बिल्कुल धीरे धीरे जेंटली आपको मसाज करनी है। मसाज आपको टोटल 3 से 4 मिनट करनी है। तो आप जैसे ये जो हमने मिश्रण बनाया है जी आपके होंठों के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। मसाज करने के बाद आप इसे ऐसे ही लगा छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप ठंडे पानी से धो लें। तो आप जैसे ही आप धोएंगे अपने होंठों को तो आपको अपने होंठों में एक अलग सी लालिमा, अलग सी सॉफ्टनेस नज़र आएगी। आप इसको नियमित रूप से 15 से 16 दिन करिए, आपको आपके होंठ जो हैं बिल्कुल कालापन उसमें हटता हुआ नज़र आ जाएगा। उसमें एकदम से नई पपड़ी सी इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, एकदम गुलाबी पपड़ी सी आपको दिखने लगेगी और जो कालापन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।